हाँ गुरु मेहर करे हमें अरदास करनी आ जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़ी प्यारी जुगती बताते हैं अरदास की, बहुत ही प्यारी, श्रवण कीजिए। बहुत ही गहरे भाव है इस पंक्तियों के, ध्यान से सुनना। बल छुट क्यों बंधन परे कछु न हो तू पाए, बल छुट क्यों बंधन परे कछु न हो तू पाए, कहो नानक अब ओट है गज जो हो सहाय। गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना उनकी पंक्तियां वाणी के। बल छुटक्यो बंधन परे, यहाँ पर बल का है आत्मिक बल को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना है, इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पर सबको। बल छुटक्यो बंधन परे, आत्मिक बल मेरा खत्म हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने मुझे बांध लिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे पातशाह, गुरु तेग बहादुर जी अरदास करके हमें समझा रहे हैं कि अरदास करती क्या है, अरदास क्या चमत्कार करती है। बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना हो तो पाए, हे वाहिगुरु मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, ये पांचों मुझे लूट रहे हैं, मुझे बांध लिया है बंधनों में, काम ने क्रोध ने लोभ ने मोह ने अहंकार ने, मेरा बल काम नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है आत्मिक बल। जैसे तूने उस हाथी की रक्षा की सी, गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ पर वो पंक्तियां कह रहे हैं, कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहाय, जिस प्रकार तेंदुए से हाथी को बचाया था बंधन मुक्त किया था, मेरे भी बंधन काट दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, कहने लगे जब कोई ऐसे अरदास करता है इस प्रकार कि मेरा बल नहीं है, मेरा आत्मिक बल नहीं है, मैं इनसे नहीं बच सकता, तब क्या होता है, श्रवण कीजिए, चमत्कार होता है। बल हो छूटे बल होवा बंधन छूटे, सब किछ हो तू उपाय, नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं जब कोई इस प्रकार ढहकर बेनती करता है, अरदास करता है गुरु के आगे, तो क्या होता है, गुरु उसी वक्त आत्मिक बल भर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल होवा बंधन छूटे, इतना आत्मिक बल भर देता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो परेशान कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हमें, उनसे मुक्त कर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो काबू में आ जाते हैं। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। हे वाहिगुरु हे गुरु नानक, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू जो चाहे कर सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहां पर बड़े ध्यान से समझने वाली है साथ संगत, चाहे कोई 100 जन्मों की भक्ति कर ले, चाहे 100 साल तप कर ले, ये पूरा हम हिस्ट्री देख लीजिए, दास ने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी घटनाएं पढ़ी हैं, एक तत्व सामने आया है, आखिर में चाहे योगी हो चाहे तपस्वी हो चाहे संत हो चाहे फकीर हो, जिसने भी पाया है, सारी मेहनत कर करके थक गया, जब कई सालों के कई जब उसे एहसास हो गया कि मेरे करने से कुछ हो ही नहीं रहा, जन्म बीत गए, कई साल हो गए बंदगी करते हुए, वो नहीं मिला, आखिर में अरदास करता है वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिल से पुकार निकलती है, हे खुदा अब मिल मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ बंदगी कर करके, तो कब मिलेगा, कब तरस करेगा, जब ये अरदास निकलती है ना कि मेरे से नहीं हो रहा तो कुछ कर, तब वो आता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में अरदास ही वो चीज है जो पहुंचाती है, बस कोई ये कह दे कि मैं वासना को कंट्रोल में कर सकता हूं, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता, कोई कह दे कि मैं क्रोध को अहंकार को काबू कर सकता हूं, हो ही नहीं सकता, चाहे 1 करोड़ सुखमणि साहब जी के पाठ कर ले, आखिर में जब अरदास करेगा ना पाछा, तरस कर, मैंने इतने पाठ किए तूने करवाए पर कुछ नहीं हो रहा, तू तरस कर, तब वो तरस करता है, ये पाठ क्यों करने हैं,
नाम क्यों जपना है, उसे तरस आ जाए बस। एक मजदूर लगातार मजदूरी करता हो रोड पर, उसे देखकर तरस आता है कि पत्थर तोड़ रहा है पूरा दिन। तरस आ जाता है जब हम पूरा दिन बैठ के नाम जपते हैं, गुरु को तरस आता है। ये जब नाम जपना अमृत वेला करना केवल इसके लिए कि उसे तरस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मिलाएगी तो एक अरदास बस, और अरदास अक्षरों की मोहताज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास जो भीतर से निकले पुकार, जैसे एक आदमी डूब रहा हो नदी में वो कैसे चिल्लाता है, वो होती है अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार से जब तक अरदास पुकार नहीं निकलती तब तक नहीं सुनता वो।